बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय आसिम जुफा। ये है बहुत पुराना कलेक्शन, बट अब मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब हमने इसको सेकेंड टाइम स्टिच किया है। और इसको एक तो इस तरीके से फोल्ड ऐसे हुआ होता है क्योंकि ये बहुत लंबी पेशवास है। तो लेट्स सी हाउ इज इट। अच्छा, आसिम जोफा के सूट्स की खूबसूरती ये होती है कि उसके अंदर जो है वो हर ड्रेस के अंदर चट्टा पट्टी होती है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती है, फैब्रिक भी बहुत ज्यादा लगता है, मगर रेडी होने के बाद वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। इसके बॉडीज के ऊपर जो है एक तो साइज जो है वो स्मॉल साइज है और इसके बॉडीज के ऊपर चट्टा पट्टी है एंड देन इसके ऊपर ये लेस जो है लास्ट टाइम जो उन्होंने बनाया था, आई डोंट नो मैंने स्टिच वीडियो शेयर की या नहीं की, लेकिन शायद इस तरह की लेस ली थी। इस बार जो है ये फैब्रिक के कलर की लेस मिली जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है मुझे। उसके बाद हमने गले के ऊपर इसकी चट्टापट्टी की जस्ट पाइपिंग लगाई है। बैक का गला क्योंकि वो था डीप था, हमने छोटा रखना था, तो बैक के अंदर जो है इस तरीके से काम वाला ही जो है वो फैब्रिक लगा दिया, जैसे गला छोटा भी हो गया, बैक की बॉडीज के ऊपर भी इस तरीके से ये लेस बहुत ही खूबसूरत लग रही है इन पर्सन देखने में, और कलर जो है एग्जैक्ट फैब्रिक का मैच करता हुआ है। तो ये चटापट्टी एंड उसके ऊपर जो है ये लेस। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो फैब्रिक होता है जैसे चटापट्टी बनती है पलटा, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगता है, इसलिए कि पूरी चटापट्टी इसके अंदर थिन सा बुकरम लगाया होता है। तो ये देखें, ये लटक नहीं रहा है, ये बहुत जबरदस्त इसकी फिनिशिंग आती है और बहुत ज्यादा स्टिफ भी नहीं होता। और हाँ, तो फैब्रिक देन इसके अंदर फिर पट्टी लगाने को जैसे मैं थोड़ा सा दिखा दूं, ये देखें पलटा लगाने के लिए अलग, और तो ये सारा कपड़ा यानी कि लाइनिंग और ये सारी ड्रेस और लाइनिंग और फिर इसके साथ जो हमने लगाया है फैब्रिक वो 9.5 गज कपड़ा लगाया है और ये सारा डाई हुआ है इसमें, और इसमें जो है बिल्कुल 19-20 का भी फर्क नहीं है। तो ये सारी एफर्ट जो है वो होती है और उसके बाद फिर ड्रेस जब रेडी होता है तो दिल खुश हो जाता है। लेंथ इसकी 50 इंचेस है, फ्लेयर इसका काफी ज्यादा है, तो इसका भी यही है कि अच्छा इसका ये देखें जो फैब्रिक लगता है ज्यादा वो मैं बता रही हूँ। पहले तो ये चट्टापट्टी बनी सेपरेट, इस चट्टापट्टी के अंदर बिल्कुल 0 साइज की बुकरम लगी हुई, फिर उसके बाद जितना चौड़ा बॉर्डर है उतना ही चौड़ा इसका पलटा लगा के इसको जो है वो तुरपाई की हुई, और देन इसके ऊपर भी इसी तरीके से लेस लगा के लेस एंड देन 1/2 इंच की चट्टापट्टी दिखाई हुई, ऑल राउंड इस तरीके से फ्लेयर इसका काफी ज्यादा है, लेकिन माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब मेहनत वसूल हो जाती है जब ये एक्चुअली रखा हुआ इस तरीके से कि पूरा फोल्ड हुआ, मैं इसको सेट करती हूँ। अच्छा जी, इस तरीके से इसकी जो है पूरा लुक आ रहा है, और इसका जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि फैब्रिक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगा क्योंकि पलटा इतना चौड़ा, फिर चट्टापट्टी के लिए अलग है सारा कुछ, और चट्टापट्टी की जो फिनिशिंग है बहुत ही जबरदस्त है माशाल्लाह से। अच्छा, ये इन्होंने ट्राउजर का कपड़ा दिया हुआ है और ये मैच नहीं कर रहा था, बट क्योंकि लॉन्ग ड्रेस है फुल लाइनिंग वाला तो हमने जो है उसी को बना दिया, हालांकि पीच पिंक शेड है और हमने जो है पूरा फैब्रिक से एग्जैक्ट वैसा मैच करवाया। अब है इसका दुपट्टा, और इसके दुपट्टे के ऊपर भी वैसे ही है जो ज्यादा फैब्रिक लगता है, और इसका रीजन है कि ये चट्टापट्टी दोनों साइड को नजर आने वाली एंड देन जितना चौड़ा ये बॉर्डर है उतनी ही चौड़ी अंदर की साइड को जो है पट्टी और पूरी तुरपाई ना, तो इसका भी ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे दामन की फिनिशिंग है वैसे ही वो वाली ये लेस है एंड देन 1/2 इंच की चट्टापट्टी नजर आ रही, 1/2 से 1/4 इंच की ना, तो ये दुपट्टा भी जो है वो फिनिश होके माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी देखने वाले और जिनका है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है। सो दैट्स इट, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबको कैसा लगा कॉमेंट्स बताइएगा, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।